हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम उत्तराखंड। मेरा नाम काव्य, और पिछले 6 दिनों से लगातार रात को 9 बजे आप लोगों से मुलाकात होती है। उत्तर का उत्तर यूट्यूब चैनल, उत्तर का उत्तर फेसबुक, एनआरजे काव्य फेसबुक पेज पर आप लोग बड़ी शिकायतें कर रहे थे कि भाई तुम पूरे लॉकडाउन में दूसरे बहुत सारे पेजेस से लाइव हो गए, लेकिन जो तुमने उत्तराखंड को लेके, म्यूजिक को लेके क्रिएट किया, वहां तो दिखते नहीं हो। तो अब मैंने कहा चलो ठीक है, फाइनली अपने उन प्लेटफॉर्म्स पे आया जाए जहाँ पे आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। तो साउंड चेक विद काव्य सीजन 2 चल रहा है। सीजन 1 में तकरीबन 40 आर्टिस्टों को हमने कवर किया था, चाहे उसमें पद्मश्री, प्रीतम भरतवान हो, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो, हीरा सिंह राणा जी हो, बहुत सारे आर्टिस्टों को, हमारे बीके सामंत हो, पापोन दा हो जो इंडी कर रहे हैं हिंदी में, दर्शन रावल हो, बहुत सारे आर्टिस्टों को। और सीजन 2 अभी चल रहा है, उसका 6th एपिसोड है। लेकिन आज जो है थोड़ा सा सरप्राइज आपके लिए। आमतौर पे होता है जो पहाड़ के आर्टिस्ट होते हैं उनको लेके आता हूँ, लेकिन आज हमारी एक दोस्त है मुंबई में और वो बहुत कमाल का म्यूजिक करती हैं, तो मैंने सोचा कि उनको बुलाया जाए अलग अलग एरिया से। बीच बीच में आपको, जैसे कुछ वक्त पहले मैंने हिमाचल से अभिषेक पटियाल को बुलाया था, देन उसके अलावा भी तमाम सारे आर्टिस्ट थे जिनके बीच बीच में आप लोगों से मुलाकात करवाई जाती है। तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं अपनी इस फ्रेंड के साथ आपकी मुलाकात करवाता हूँ, बातचीत करते हैं, कुछ हिंदी गाने सुनेंगे और कुछ पहाड़ी गाने इनसे सुनेंगे, नहीं आएंगे तो इनको सिखाएंगे, है ना? तो यही तो करना है अपने को। तो वेलकम आचल, बहुत बहुत स्वागत तुम्हारे और तुम्हारे ब्रदर का, तुम दोनों को बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। तो क्या बोलोगे उत्तराखंड की वो पब्लिक, क्योंकि हमारे मुंबई में भी बहुत सारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं और दिल्ली एनसीआर और पूरे इंडिया के अंदर और 21 देशों में जहां से लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, 21 कंट्रीज से इस वक्त, क्या बोलना चाहोगी उनको? सबसे पहले घर में रहिए, हमें सुनते रहिए। और ये जो तुम्हारा पूरा इंटायर सेटअप है, इसको जी रिपीट पे सुने, क्योंकि हम इतने अमेजिंग गाने गाते हैं और जितने भी तुम लेके आते हो, जी आई एम सुपर श्योर दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट इन योर लॉकडाउन। दिस इज द 88th डे, तो जस्ट प्लीज बी सेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू नॉट स्टेप आउट एंड लिसन टू सॉन्ग्स विच इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आर डूइंग इन द लॉकडाउन स्पेशली। यही बोलूंगी और बाकी सब गा के सुना दूंगी। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने जब शो स्टार्ट किया, अभी 137 लोग एक साथ आ गए हैं, सो थैंक यू सो मच। और ये एक एक घंटे बाद बहुत सारे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग आप लोगों को वेलकम कर रहे हैं। ये सबके मैं कमेंट फ्लैश कर रहा हूँ एक बार, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया जी, सो थैंक यू सो मच। यस, तो ये तमाम सारे लोग आप लोगों का वेलकम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आंचल, आपके साथ एक गाने की शुरुआत करते हैं। कौन सा गाना आप सुनाएंगे और फिर आपके बारे में बातचीत करेंगे और म्यूजिक को लेके बहुत सारी बातें अगले 45 मिनट्स। कौन से गाने के साथ शुरुआत पहला गाना करें? तो उत्तराखंड के नाम ही होना चाहिए। तो उत्तराखंड के नाम तुम सुनाओगी गाना? तुम्हें आता है कोई पहाड़ी गाना? तुम्हें मुझे सिखाया है सच। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तो एक लाइन तुम गाओगे, उस लाइन को मैं रिपीट करूंगी, और ठीक फिर है, वही जो लाइन, मतलब बेसिकली जुगलबंदी है तुम्हारी और मेरी। ठीक है? अच्छा ठीक है। तो मैं, हमारे स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी, उनका एक बहुत ही कमाल का गाना है, उत्तराखंड के बहुत ही जबरदस्त लेजेंड थे, उनका एक गीत, उसकी लाइन आपको सुनाता हूँ और उसके मायने भी बताऊंगा थोड़ी देर पे, पहले गाना सुनते हैं। वो है और रंगीले बिंदी घाघर काई, ओ रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल किनर वाई, धोती लाल किनर वाई, आए हाय रे में जाता, आए हाय रे में जाता, ओए होए होए रे में जाता। होए 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 रे में जाता, धोती बिंदी घाघर काई, ना 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 ना, आए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम में ही बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी उत्तराखंड आना हुआ है? बाय द वे, उत्तराखंड कभी आई हो? यार मैं बहुत छोटी थी तब घूमी हूँ वहां पे, तो पहाड़ों से एक रिश्ता है, बिकॉज मेरे मॉम डैड हिमाचल में रहते हैं। तो अच्छा, हाँ, वो कुल्लू मनाली से पहले एक छोटी सी जगह है बरमाना, हाँ वो वहां पे रहते हैं। तो बस जब दिल्ली में आप पढ़ते हैं,
तो कॉलेज से चुप छुपा के मम्मी पापा को बिना बताए आप कहाँ कहाँ जाते हैं, जी तो हम भी आए थे। राइट राइट राइट। सो ये गाना बेसिकली जो मैंने आपको सुनाया, ये गाना हमारे हीरा सिंह राणा जी का, वो जब वो मेरे को कहानी बता रहे थे इस गाने के पीछे, क्योंकि जैसे आपने कहा हिमाचल में कुल्लू के पास में आपके मॉम डैड रहते हैं और उत्तराखंड भी आए हो, तो पूरा ग्रीन बेल्ट है, राइट। सो क्या होता है कि वो बता रहे थे कि जब वो देख रहे थे आसपास, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई एक लेडी है, उन्होंने जो है रंगीली बिंदी घाघर का की बिंदी लगा रखी है, घाघर काली है, ओए होए रे में जाता, मतलब कि ये जो प्रकृति का सौंदर्य है कितना खूबसूरत लग रहा है, तो उन्होंने उसको रिलेट करते हुए गाना बनाया ओह नाउ आई नो, ओए होए रे मिजाता, मतलब मिजाता द वर्ड, था। मिजाता मतलब एक तरह से आप देख लीजिए सौंदर्य जिसको हम कहते हैं, एक ओ फैशन के सुंदरता। सेंस में कहते हैं ना, हाँ अच्छा मिजाता। सो ओए होए रे मिजाता, आय हाय रे मिजाता। क्या बात है, फिर वाह तो हमने बिल्कुल बहुत सही है, परफेक्ट गाना चूज किया है स्टार्ट करने के लिए। पहाड़ों के लिए, है ना। यस, तो तमाम सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, और उत्तराखंड के कुछ कमाल के आर्टिस्ट, ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, गोविंद दिगारी, ये बहुत हाय जबरदस्त आर्टिस्ट गोविंद, हैं, ये खुद भी बहुत कमाल के सिंगर हैं, ये और इनकी वाइफ, तो ये भी देख रहे हैं अभी। अच्छा यस, तो ये जो इन्होंने दाजू लिखा है, दाजू का मतलब हमारे यहाँ होता है भाई, तो मैं बीच बीच में आज तुम्हें ना आ पहाड़ वाला वो डालूंगा, ठीक मैं है। नोट्स लिख रही हूँ काव्या, देख ले। हाँ प्लीज प्लीज, ठीक है। तो आंचल के बारे में मैं बताऊं, आंचल जो है शुरुआत में जब मैंने इनको जानना शुरू किया, ये रेडियो करती थी, हालांकि जिस चैनल पे करती थी, जब तक हम पहुंचे वहां से खिसक गई। और मैं एक बड़ी कमाल की बात आज इनको शेयर कर रहा था कि मुझे लगता था कि ये लखनऊ से हैं, तो मैं इनको कह रहा था कि अच्छा आजकल कहाँ, बॉम्बे की लखनऊ। कह रही लखनऊ लखनऊ क्या करूंगी, मैं तो हमेशा बॉम्बे रहती हूँ। मैंने कहा तुम लखनऊ से नहीं हो, बोले कि नहीं, और जबकि हम बहुत टाइम से फॉलो करते हैं एक दूसरे को, बट आइडिया नहीं था। पर बात नहीं सो करते हैं हम, वो हाँ बात दोस्त हैं नहीं जो एक दूसरे को है, सिर्फ फॉलो करते हैं, एक्चुअली काम पे ऑब्वियसली मुझे फॉलो करते हैं। राइट। सो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो अच्छा, तुम्हारी ये हस्की वॉइस जो है, एक समय पे तुमने मुझे बताया था कि कई बार लोग इसको, जबकि इतनी कमाल की आवाज है, लेकिन उसको कई बार वैसे लेते थे कि अरे उस टाइम कैसा एक्चुअली लगता था, कई अजीब बार नहीं, लगता हमेशा था। हमेशा अच्छा मेरे साथ हाँ हमेशा ऐसे हुआ है। ये मुझे लगता है ये बॉम्बे का कमाल है कि मेरी वॉइस एक्सेप्ट होने लग गई है, कि इंडस्ट्री में आजकल ऐसे गाने चल रहे हैं या भगवान जी की कृपा है, मुझे नहीं पता, जो भी है इस दोनों में से एक। बट हमेशा मैं मुझे लगता है 21 साल की थी जब ये ट्रांजिशन इन माई वॉइस आया, तो तब से मैं अपनी वॉइस को सिर्फ एक्सेप्ट ही करवा रही हूँ। इनफैक्ट जब मैं रेडियो में थी तो रेडियो में मुझे, जब मैं बोलती थी, मुझे बोलने के टाइम पे तो सब कहते थे वाह बहुत अच्छा है, फिर मैं कहती थी मैं गाती भी हूँ, कह नहीं यार प्लीज आप यहाँ से जाओ। मुझे जिंगल भी नहीं करवाया कभी, मतलब मुझे अच्छा एक एड भी नहीं करवाया कभी रेडियो में, इतने डब होते थे। और कभी एक्सेप्टेंस एज अ सिंगर मुझे, इनफैक्ट बीच में मैं अपनी कहानी हमेशा बताती हूँ सबको कि मैंने बीच में गाना छोड़ दिया था फॉर अबाउट 7-8 ईयर्स, आई वॉज नॉट सिंगिंग, क्योंकि मुझे हाँ सबने यही बोला गा नहीं सकती यार, तुम बोलती हो ठीक है सब अच्छा है, पर गाती रानी मुखर्जी अगर गाएगी तो कैसा लगेगा बताओ। तो मैंने कहा सही बात है, नहीं अच्छा लगेगा। तुमने बोला नहीं, फरहान बट अख्तर भी तो गाता है। अख्तर लगाए ना बाबा आगे हाँ फर्स्ट अख्तर लगा, ओ दैट वे, स्टेप। राइट। तो ओवरऑल अब जाके मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम किया है कि आप अगर खुद कन्विंस्ड हो जाते हैं अपने आपके और अपने टैलेंट को लेके, तो आप फिर मचा सकते हैं, तो जी इसलिए जी कृपा है कि अब हम मचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो कौन से गाने के साथ शुरुआत करने वाले हैं हम? पहाड़ों की बात है तो मैं अपना सिंगल पहाड़ों का चंबा जी स्टार्ट करेंगे, हाँ जिसमें ऑब्वियसली लकी ने, लकी इज माय ब्रदर, साथ में बजाया यस है। बिल्कुल। सो माही नी मेरी शिमले दी राही, चंबा कितनी कदूर है, चंबे
ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं. पुष्कर जी थैंक यू. यस सो एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अभी तक की जर्नी आचल कैसी रही है? कितना मुश्किल, कितना आसान, कितना अप्रिसिएशन, कैसा रहा है? ऑनेस्टली बोलूं तो मुश्किलें तो अभी भी हैं और चलती रहेंगी. मुझे लगता है एवरीथिंग एवरी स्टेप इज अ स्ट्रगल, क्योंकि आप जब जब कुछ अचीव करते जाते हैं आपको उससे ज्यादा चाहिए. जी तो जी. शायद वो सारी जिंदगी रहेगा. बट आई फील दैट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि जब कोई चीज पाने की कोशिश करती हूँ तो वो मिल जाती है. फॉर्चुनेट तो ये स्ट्रगल स्ट्रगल बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि चाहती हूँ कि मेरा गाना लोगों तक पहुंचे. गाती हूँ, रिलीज करती हूँ, वो लोगों तक पहुंच जाता है. मैं चाहती हूँ गाना बनाना, मेरी पसंद के गाने बन रहे हैं, हम बना पा रहे हैं. हमारा एक छोटा सा बैंड है यात्रा विधाचल, एंड हमने काफी कमाल के लोग उसमें इकट्ठा करे. हमने चाहा था कि वैसे ही लोग आए, सो वैसे ही लोग हैं. सो आई थिंक ओवरऑल द जर्नी इज गोइंग वेरी वेल. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट कि इतनी कमाल की जर्नी मिल रही है, बन रही है. राइट बहुत सारा ट्रेवल करती हो, बहुत सारी जगहों का फोक जो है, बिकॉज जो उसका मैंने देखा है यात्रा विदांचल का, प्राइमरली जो है फोक पे आप लोगों का फोकस रहता है, जो कि अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है. और आपकी जबानी जब मैंने कभी आओ नहीं सुना था, उससे पहले भी सुन चुका था मैं तमाम सारे लोगों की जबान से, लेकिन जब वो आपने गाया था मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है. और कुछ दिनों पहले मैंने आई थिंक मैं मॉर्निंग में सुन रहा था जब मैंने आपको इंस्टाग्राम पे लिखा कि यार ये कितना कमाल गा दिया है. सो और वो मैंने बहुत बार सुना है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. वो जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं उत्तराखंड के, वो सारे लोग जो उत्तर का पुत्र और आरजे काव्य के माध्यम से आंचल आपको जो अगला गाना सुनाने जा रही है, मैंने उससे पूछा नहीं है, मैंने खुद ही बता दिया कि वो सुनाने जा रही है. सो कभी आओ नहीं. सो ये राजस्थानी सॉन्ग है, बहुत कमाल है, आप लोग सुनिए और उसके बाद इसके मायने पूछेंगे. जी आंचल एंड लकी. कैसे स्टार्ट, हम हमेशा गड़बड़ करते कि स्टार्ट कैसे करना है. फुल लाइन की ओके कूल. कदी आओ मेरा सीला मांग दे जो बथारी बात रही. कदी आओ मेरा सीला मांग दे जो बथारी बात रही. अरे गांज गजपति मांगती है भूपाल, गजपती गजपति मांगती है भूपाल. हाँ मेरे अयोग्य छतरपति तरपी है दाताल, हमारे अयोग्य छतरपति तरपी है दाताल. कदियावो मीरा मांग दे जो बतारी बात रही. कर दिया वो मेरा सीना मांग दे जो बतारी बात रही. बहुत कमाल. सो ये जो यात्रा विद आंचल है, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे स्टेट्स में ट्रेवल किया होगा. राजस्थान जब पहुंचे, बिकॉज मैंने आधी जिंदगी राजस्थान में निकाली है करियर वाइज, और आप भी रही हैं वहां पे. सो कैसा एक्सपीरियंस था राजस्थान का? यार मैं सच सच बताऊंगी, मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं. मैं ना मैं घर का स्पॉइल्ड बच्चा हूँ, जिसपे सिर्फ जिसने जिस पे हाथ रखा और बोला ये चाहिए वो उसको दे दिया है. तो मैं दिल्ली में पली बड़ी, स्कूल कॉलेज सब हाई फाई हाई प्रोफाइल. मतलब कभी मैंने ये, मैं बिना गाड़ी के शायद कभी नहीं गई थी कहीं, कॉलेज में भी. और उसके बाद अचानक से मैं राजस्थान पहुंच गई. मेरे मैं जयपुर के लिए जब मैं आरजे का मुझे ऑफर आया
तो मैंने हाँ इसलिए बोला क्योंकि जैसे हर एक इंसान के दिमाग में होता है ना, यहाँ जरूर जाना है। मैं हमेशा कहती थी जयपुर और गोवा, यहाँ जरूर जाना है, ये दो जगह। तो जयपुर जैसे बोला मैंने कहा यस चलूंगी करूंगी। वहां गई और मेरे दिमाग में था ऊंट होगा, और जैसे आप उतरोगे और ऊंट और लोग साफा बांधे हुए, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, सब नॉर्मल। ये क्या है? तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ राजस्थान एंड जयपुर वाज लाइक अच्छा, ओ सब नॉर्मल है, दिल्ली जैसा ही है। तो मुझे कुछ इतना, और मैं बड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं हैप्पी गो लकी ऑलवेज बक बक। तो मैं अपने रेडियो पहुंची और मैं बिल्कुल शुरू हो गई हाय हाय, वहां पे पीएम के साथ जाके हेलो हाय। तो ये जितने भी लोग थे उनके लिए बड़ी नई चीज थी कि क्या क्या आपने अभी अभी उनको हग कर लिया, वहां पे रिसेप्शन में। हाँ हमारे यहाँ तो हग कर लेते, सीधा जाती और भाई क्या हो। तो ये शॉकर था राजस्थान के लिए, मेरे लिए राजस्थान कि भाई 6 बजे के बाद जब अपन ऑफिस से निकल रहे होते तो ये पूछते कहाँ मिलना है, और वहां पे लोग कहते कल मिलना, आज तो मत ही मिलना। तो ये जो फ्रॉम ऑलवेज अ मेट्रो सिटी टू अ स्मॉल टाउन का एक्सपीरियंस था, ये मुझे स्मॉल टाउन छोड़ के समझ आया कि यार अपनापन और ये सब, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना, डिनर साथ में करना, संडे को प्लान करना इकट्ठे, इस सब के मायने अहमियत ये क्या है जो हमारे बड़े बड़े शहरों में शायद नहीं है। साथ में बैठ के भी बात नहीं करता कोई एक दूसरे से। तो राइट दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ राजस्थान। आई थिंक आई लव इट मोर व्हेन आई वाज नॉट देयर। राइट। सो ये जो तुम कह रही थी ना ऊंट वाला, तो मेरी वाइफ जो है वो जोधपुर से है और ये बैंगलोर में काम करती थी काफी सालों तक। तो ये मेरे को एक बार बता रही थी। सो बैंगलोर में जो लोग थे उनका नॉर्थ को लेके थोड़ा सा है, मतलब मामला थोड़ा सा, वो गुड़गांव को भी गुड़गौन पढ़ते हैं वहां। तो एक इनकी कोई एचआर विचार थी, वो कह रही थी कि ये जगह कहाँ है, गुड़गांव नियर दिल्ली। तो उसने कहा अरे गुड़गांव नहीं है वो, गुड़गांव है वो। सो फिर वो इससे पूछ रही थी कि अच्छा तुम राजस्थान से हो तो तुम्हारे घर में ऊंट है? तो उसने कहा यार ऐसा नहीं है, मतलब कि हर घर में ऊंट होते हैं राजस्थान में, बट एक दिमाग में ऐसा बना दिया गया है कि मतलब राजस्थान में है तो घर में जैसे सही डॉगी ना? पलते हैं ना वैसे ऊंट बैठे हुए हैं। सो यस, खैर और मैं तो आपके चाहती ब्रदर के थी, लिए, आपके ब्रदर के लिए एक कॉम्प्लीमेंट आया है स्क्रीन पे देखिए। एक सलाम गायिका के साथ जो भाई है उनके, थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू सोनू सो मच मंडोली जी। सोनू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। यस, तो अगला गाना, अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं वैसे आंचल के बारे में, काफी लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है। ये मुंबई से है, वहीं पर यू नो म्यूजिक करती हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक करती हैं। आप में से आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा है 4 More Shots करके एक वेब सीरीज है, आई थिंक सीजन 2 या 3, 2 चल रहा है ना सीजन उसका, टू 2 आया एब्सोल्युटली था। है। उसका जो ट्रैक है जिंगल, जिनको कभी जिंगल रेडियो स्टेशन वालों ने नहीं गवाए थे, ये उसका जो है इन्होंने गाना गाया है। तो जरा उसके बारे में बताइए कैसे हुआ, और वो सुनाइए यार। यार तो बहुत ही रैंडम डे था कि हम अपने घर में चिल कर रहे थे और हमें एक अचानक से फोन आता है। ये कंपोजर जो है माइकी मैकलैरी, ये मुझे बहुत पहले से जानते हैं। तो इनका फोन आया और इन्होंने कहा हे आंसर, वी गॉट अ ट्रैक फॉर यू, वुड यू वांट टू सिंग, आर यू अवेलेबल? आई सेड हां या। तो मैंने पूछा ओके व्हाट इज द ट्रैक लाइक, ही सेड दिन शगना था। आई सेड हां यार वही पुराना बोरिंग दिन शगना था। आई सेड ओके बट व्हाट, देन ही सेड इट्स फॉर अ वेब सीरीज इफ यू डोंट माइंड डूइंग इट, क्योंकि यहां पे सब लोगों को लगता है वेब सीरीज बोल दिया तो शायद सिंगर मना कर देगा। सो माइकी बीइंग माइकी ही वाज लाइक फिल्म नहीं है वेब सीरीज है। देन ही सेड 4 More Shots प्लीज सीजन 2। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरे में भी एक्सीडेंट आ गया था अचानक से। आई वाज लाइक कब ने डब करने यार, तुरंत मैं घर से निकलू आ जाऊं। तो इट वाज दैट सडन, देन आई गॉट अ डेट 2 days लेटर आई रीच्ड द स्टूडियो। आई न्यू द सॉन्ग वाज दिन शगना था बट किस पे पिक्चराइज्ड कैसे क्या वो सब नहीं पता था। सो व्हेन आई रीच्ड देयर दे शोड मी द ट्रैक, हमें स्क्रीन पे वो पूरा दिखाया जाता है कि आपको क्या किस इमोशन के साथ गाना है।
एंड उस इमोशन में बहुत प्यार था क्योंकि वो बानी और लीजा रे की शादी का ट्रैक है. और मुझे लगा, मतलब मैं हमेशा से चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करो जैसे जिसमें खुद को बहुत ज्यादा खुशी हो. एंड आई थिंक दिस ट्रैक हैज गिवन मी इमेंस हैप्पीनेस बिकॉज माय सॉन्ग हैज कम फॉर वन पार्ट ऑफ दैट साइड ऑफ लव व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड. Which is non, which does not come out that easily. It's very difficult for them and us to accept. I felt ki ye to bada kamal ka hua. And then Pritish Nandi, jo ki producer hai Nandi Communications, he selected the track. He selected my voice. He only wanted my voice. So I think that's how it all came in place. Gaate gaate do aansu bhi tapkaye maine. Ye natak. जी. Oh my God, मुझे रोना आ रहा है कितना. राइट राइट. बहुत सही, बहुत सही. एंड माइकी मक्लरी, आई मीन मैंने उनका प्रोडक्शन देखा था शालमली के साथ, दैट हो 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 हो, वो जब वो मतलब वो क्या यार, बहुत जबरदस्त क्रिएट किया था उन्होंने माइकी मक्लरी से. यस, सो आंचल हो जाए ये जो हां. आई वुड लव टू डू दिन शर्मा. बड़े दिन हो गए हम, बड़े दिन हो गए. दिन शगना दा चढ़या सखियों नी वेड़ा मतलब ये तो वैसे भी शादियों में और खासकर आजकल तो वो हो गया ना प्री वेड और पोस्ट वेड वाला सीन. तो मतलब एक तुमने भी रिकॉर्ड करा लिया, अब मुझे लगता है कि तुम्हारा वाला वर्जन जो है फैमिली ग्रुप में बहुत चलता होगा ना. बिटी वाला भेज देना, लगाना है. आ भी चुके, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऑर्डर मांगे हैं. तो मैंने सोचा कि प्रीतिश का उनको नंबर भेज दूंगी, इनसे मांग लो डायरेक्टली. इनसे मांग लो. राइट. इससे ये भी पता चलता है ना, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं यार कि डिमांड में चल रहा है गाना. राइट राइट. सीजन 3 आ रहा है तो उनको पता है किससे गवाना है, किससे गवाना है. बिल्कुल बिल्कुल. सो यस आंचल, तो वो कौन लोग हैं यार जिनको देख के, बिकॉज जब हम छोटे होते हैं ऐसा तो नहीं होता कि अचानक से गाना शुरू कर देते हैं. कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम सुनते हैं और लगता है यार क्या जबरदस्त काम है और ऐसा कुछ हो लाइफ में. शुरुआत में तो नहीं होता लेकिन धीरे धीरे मालूम चलता है कि यार इसके जैसा कुछ करना है. वो कौन लोग थे जिनको देखा सुना और लगा ऐसा कुछ करना है यार. बॉम्बे में मैं जहाँ रहती हूँ मेरी बाजू वाली बिल्डिंग में जसपिंदर जी रहती है. हाँ, तो हम सब ऑलमोस्ट मतलब आस पास ही रहते हैं सब लोग. सुनीधि चौहान बाजू में रहती है, सोनू सूद, जसपिंदर. तो दीज आर दोज पीपल जिनको सुन के देख के मैं शायद इंस्पायर हुई हूँ और मैंने सीखा म्यूजिक. जैसे जब स्टेज पे आप गाने गाते हो तो किन के गाने गाते हो, मैंने इन्हीं लोगों के गाने गाए हैं. प्यार तो हो ना ही इतना करके गाती थी मैं. और अब ये मेरे बाजू में, जब मैं पहली बार, मैं मेरा दूसरा दिन था बॉम्बे में और मैंने जहाँ गाड़ी खड़ी करी वहीं एक गाड़ी आके रुकी. मैंने कहा ये क्या बात है, ये कोई बात होती है, मैं देख रहा है इंसान, मैं यहाँ गाड़ी लगा रही हूँ, आप कैसे आ गए बीच में. फिर वो निकली अपनी गाड़ी से, उन्होंने बोला ये मेरी जगह है. मैंने देखती रह गई, मैं कहा जसपिंदर जी आपकी जगह है, आप अच्छा
मैं कह ले लो मैं आगे पीछे लगा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जसविंदर जी हैं, शुभा मुदगल जी हैं और सुनिधि चौहान जी हैं, जिनके हस्बैंड ने मुझे मेरा पहला बॉलीवुड का बैकग्राउंड स्कोर का ब्रेक दिया था प्यार का पंचनामा 2 में, हितेश सोनेक। तो इन सब लोगों को देख के मैं, मेरे डैड और मेरे मॉम ने जितना भी म्यूजिक हमें जितना डाला, जितना भेजा, वहां पे ये सब लोग, इन सब लोगों के गाने मौजूद थे। और उसके बाद इन लोगों से मिलना और इनके गाने गा के, अब ये लोग ट्वीट करते हैं, रीशेयर करते हैं, मुझसे खेलते हैं। जैसे हितेश जी ने जब मुझे अपने स्टूडियो बुलाया तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि तू ना सुनिधि जैसी लगती, तेरे में सुनिधि की छाप है। मैंने कहा अच्छा, बताओ, क्या मैंने कहा आप बात। उन्हें भी कह देना एक बार ये जाके घर पे। तो दीज हाँ आर, ये वो छोटी खुशियां हैं जिनसे मेरी गाड़ी चल रही है। राइट, मैं इन खुशियों को सुन के, सोच के, समझ के मैं हर रोज उठती हूँ और कहती हूँ मैं ठीक कर रही हूँ, मैं म्यूजिक कर रही हूँ, मैं ठीक ही कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। राइट राइट। तो घर से में भी बात म्यूजिक था क्या? मॉम डैड भी गाते थे? मेरे मॉम डैड बहुत अच्छा गाते हैं, पर अच्छा। घर पे गाते हैं मोस्टली, और फैमिली गैदरिंग्स में गाते हैं। पर यस, द अच्छा जीन्स आर फ्रॉम मॉम एंड डैड, वो कहते हैं ना पूत एंड पालने में समथिंग। हाँ, मैं बताता हूँ, पूत के पांव पालने में दिख जाते। करेक्ट। करेक्ट। मेरे मॉम डैड को शायद पता था क्योंकि वो हाँ। दोनों गाते हैं, और वो दोनों बड़े कमाल के म्यूजिशियंस हैं। उस टाइम पे शायद म्यूजिक को बढ़ावा नहीं दिया जाता था, नहीं तो अगर होता तो शायद वो दोनों ही अलग अलग म्यूजिशियन ही बनते। अब हम दोनों अब हम बन रहे दोनों हैं। बन गए। अब तुम दोनों बन गए। राइट राइट राइट। ऑन दैट नोट, बहुत सारी बातें तो आगे चलते रहेंगी। नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा सुनाओगे, क्या सुनाओगे और अब किसका मैं वो सुनाओगे? गाना गाना चाहती हूँ काव्या, जो तुम्हारी पसंद का गाना हो, तुम मुझे बोलो ये मैं चाहता हूँ आंसर, तुम गाओ, चाहे वो बॉलीवुड हो, मैं अटेम्प्ट करना चाहूंगी वो गाना, अटेम्प्ट। अच्छा, ऐसा। यार कौन सा गाना? गर्मी लग रही है। अचानक कॉपीराइट स्ट्राइक होने अचानक से। वाले, हाँ, इसमें कौन सा कॉपीराइट कौन स्ट्राइक ना है, बस कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक। सा? स्ट्राइक ना है इस पे। यार मेरे को आई थिंक वो बड़ा अच्छा लगता है। एक, अगर आपने सुना हो, कोक स्टूडियो पाकिस्तान में गाया था, क्यूबी ने और फरहान सईद ने। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या। तेरा क्या लट्टे दी चादर और रोज मिक्स किया था ना। तो गा दे अपन भी, मेरे कन्नौज नच दे चुमके, मेरे कन्नौज नच दे चुमके, आ सामने, आओ वो सामने, बोलो इधर सके ना लम्माया, लट्ठे दी चादर उत्ते सनेटी रंग माहिया, आओ सामने, आओ वो सामने, बोलो इधर सके ना लम्माया। हम इसको हाँ, बॉलीवुड में राइट, कैसे करते हैं हम, जरा आपको सुनाते हैं। बिल्कुल। तू हो कि ही वन टू टू, ओ कोई ये है व्हाट टू डू, ओ हो कि ही मुंडे दी, तू रुक 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 पतंग हमारेगी, तू है वे उड़ दी, तू हो कि ही मुंडे दी, तू रुक 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 हिलाते चल दी, टुक 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 कर दी, मैं कब तू कर दी अंग्रेजी पढ़ दी, किट किट तू कर दीजिए।
वाह जी वाह, क्या कमाल! लंदन ठुमकदा कर रहे थे, लंदन से कमेंट आया है। अरे कमल पिश जी, लंदन में हमारी नारी शक्ति के शहर कर क्या है, काफी हिमाचल के लोग हैं कह रहे हैं, कोई गीत या भजन हो तो सुना दीजिए हम सबकी फरमाइश पे। ओके, गीत या भजन हिमाचली। ओके, हाँ तो वील डू टू लाइंस ऑफ आर फेवरेट हिमाचल सॉन्ग, बेटा तेरिया हूँ, ये श्योर हमारे श्योर। हिमाचल का गाना है। अच्छा जी, तो हम सुना देते हैं। बेटा तेरिया ये स्तुति कौन है आपकी, जानने वाली है कोई? एक्चुअली हम भूल गए ना कि हमारे पे भी लाइव हो रहा होगा, तो हमारे राइट चैनल पे भी राइट, होंगे, तो यहाँ पे कमेंट्स तो बिल्कुल देख नहीं रहेगी। हमारा पहला एक्सपीरियंस है इस एप्लीकेशन के पर्टिकुलर स्ट्रीम में राइट आपके साथ, तो हमारे राइट। लिए तो ये है कि ये दिव्य के सारे लोग हैं, तो अपने स्तुति दिखी तो मैं ओ स्तुति। राइट राइट। जब भी कोई व्यक्ति जाता है, देखो अभी इंडी में अगर देखें काम हो रहा है, लेकिन एक टाइम वो था जब इंडी टॉप पे होता था। मतलब जब हम इंडियन ओशन सुनते थे, यूफोरिया सुनते थे, आर्यन सुनते थे, है ना, वो एक अलग लेवल था। अभी जो इंडी में काम हो रहा है वो पंजाब में ज्यादा हो रहा है। बहुत पंजाब का ज्यादा गाना आता है, हिट होता है और वो पिक्चरों में चला जाता है, फिर रेडियो स्टेशन पे बजता है और हम देहरादून में भी बजाते हैं तो आदमी को लगता है वो जलंधर का रेड एफएम सुन रहा है। फिर बताना पड़ता है, ना ना ये देहरादून वाला ही है, जलंधर वाला नहीं है। बट बहुत सारा हो रहा है। आप जब बड़ी हो रही थी, ऑब्वियसली इंडी म्यूजिक का आप पे भी इन्फ्लुएंस रहा होगा। वो कौन से इंडी आर्टिस्ट थे स्पेशली, और वो कौन से इंडी गाने थे जिनको आज भी अपने शोज पे परफॉर्म करती हो या यूं भी गाती हो, कभी चिल कर रहे हो दोस्तों के साथ, तो कौन से गाने हैं? यूफोरिया, तो यूफोरिया हम बलास्ता बहुत, था। हाँ, यस और यूफोरिया एंड वन ऑफ द बैंड्स जुनून, जिनका हम सैयो जुनून, ही गाए बिना तो स्टेज से उतरते ही नहीं है। राइट तो राइट राइट। यूफोरिया, जुनून, देन शुभा मुद्गल जी का अब के सावन, ये हाँ वाले हाँ जो पर्टिकुलर टाइम एंड दिस एंटायर जोन ऑफ सॉन्ग्स वाज डेफिनेटली माइन। कैलाश खेर, कैलाशा, राइट। ये हम डेफिनेटली गाते हैं, ये सुन के बड़े भी हुए हैं, बट अब ऐसे लग रहा है कि ये बड़े हो गए हम, अभी भी गाई जा रहे राइट। अच्छा तुम्हें एक कमाल की बात बताता हूँ, अभी मुझे याद आ गया। यूफोरिया और शुभा मुद्गल जी का उत्तराखंड कनेक्शन बताता हूँ। तो हैं। हाँ यूफोरिया का उत्तराखंड कनेक्शन ये है कि यूफोरिया में जो ड्रम प्ले करते हैं राकेश भारद्वाज, हाँ यस, तो वो उत्तराखंड के ही हैं और उनके फादर साहब जो थे स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी, यहाँ के बहुत बड़े लेजेंड थे। उनका फां बागा रे करके एक बहुत कमाल का गाना चल रहा है, चेता की चितवाल करके उनका एक गाना था। वो उनके बेटे हैं बेसिकली, राकेश भारद्वाज, ये उनका उत्तराखंड कनेक्शन। और शुभा मुद्गल जी का उत्तराखंड कनेक्शन ये है, मैंने बताया था बॉम्बे में हमारी एक और फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए जब मैं शो करता हूँ तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि भीमताल हमारे यहाँ एक जगह नैनीताल के पास में, तो वहां पे उन्होंने घर बनाया हुआ है और हर छुट्टियों में वो कोशिश करती है कि भीमताल में ही रहती है, कि 2 महीने यही पड़े रहो। ये उनका यार, उत्तराखंड कितना अमेजिंग कनेक्शन। होता है ना ऐसा, केवल एक्चुअली इस पहाड़ों यूके पे में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये भी चाहिए कि एक ये डिसीजन ले पाए साल भर में एक बार कि ये यहाँ 2 दिन
जाके छुट्टी मनाई। राइट राइट राइट। अच्छा तो यूफोरिया की बात हो रही थी या शुभा मुद्गल जी की बात हो रही थी, इनका कोई गाना जो करना चाहोगी? व्हिच वन डू यू वांट अस टू डू, आपके सावन या मायरी? आपके सावन या मायरी दोनों कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक शॉट थोड़ा थोड़ा। अरे चार चार जगह स्ट्रीम भी तो हो रहा है। धोखा दिल ये धोखा धड़ी कर देगा, सोचा सोचा न था। यस पहले प्यार की पहली बारिश ऐसी आग जगाए, बारिश चूमने दो मुझको मन हरा हो जाए, प्यास धरती प्यास आदमा प्यासा है ये जहां, भीगने दो इस जहां को भीगने दो थी पल के मायरी, आस जाए तो एक वादे पल के मायरी, मेरे हाथों में था उसका उपहार, दी चाशनी सी कल उसकी बात, मायरी अपनी हंसती मायरी अपनी रोती, अब क्या करूं कैसे कहूं ये मायरी, ना 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 मायरी अखना लड़की मायरी याद वो आयरी। बहुत कमाल, बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल है। सो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, जब आप ये गा रही थी दोनों ही गाने बहुत जबरदस्त आपने परफॉर्म किए, कभी ऐसा हुआ कि कोई गाना आप गा रही हो और उसके ओरिजिनल सिंगर या म्यूजिक कंपोजर उसके सामने बैठे हो, उन्होंने सुन लिया हो और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया हो, कभी ऐसा हुआ? हाँ, तीन चार बार तो हुआ है डेफिनेटली। सो हम एक शो कर रहे थे जहाँ पे रूप कुमार राठौर जी आए हुए थे और मुझे पता नहीं था, और मैं गा रही थी तो से नैना लागे और मौला मेरे मौला। हाँ। तो जब मैंने मौला मेरे मौला खत्म किया तो अचानक से सिर्फ एक ही इंसान खड़े होके तालियां बजाने लग गया मेरे लिए। हाँ। तो मैंने सोचा ये खड़े होके ताली इतनी कौन बजाएगा। हाँ। फिर मुझे दिखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, रूप कुमार राठौर जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैंने उन्हीं का गाना गाया है और वो खड़े होके ताली बजा रहे हैं, तो इसका मतलब है मतलब somebody appreciating somebody at that strata, that stature appreciating you, right. means that he's really genuinely humble, he really takes art very very seriously, so I think that was one of the biggest compliment I got. Then Kailash Kher और मैं, मतलब कई बार ऐसे हुआ जब मैं स्टार्टिंग में आई कि मैं कैलाश जी काफी मिलते थे, उनके स्टूडियो में बैठ के गाया जाता था, तो वो कई बार कहते थे जरा सैया सुनाना, क्यों सुनाओ।
आपका गाना है, आप गाओ. तो भाई मतलब जैसे वो कहते थे कि सैया सुनाना या प्रीत की लत सुनाना, तो उसके बाद मतलब उनके सामने उन्हीं का गाना गाना और उन्हीं की फरमाइश पे कि आंचल ये छोड़ यार सैया सुना देना मेरा, राइट. तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा. ये दो इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आर्टिस्ट खुद जब ये कहता है मेरा गाना गाना और तीन चार बार रिपीट पे सुन रहा है, आपसे क्यों सुन रहा है पता नहीं आपको, बड़ी कमाल की बात. तुम्हें बताऊं आंचल, जब आप गा रहे हो, तमाम सारे मैंने बोला उत्तराखंड के बहुत सारे आर्टिस्ट जो इस मंच पे आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे, वो भी देख रहे हैं. शाश्वत पंडित एक बहुत जबरदस्त सिंगर है देहरादून के, ये इन्होंने कमेंट किया है आपके लिए भी. अभी भाई ने नौ से दस पिछले मंडे से आपने बिजी कर रखा है. हाँ ओके, आनंद आ रहा है आंचल, शानदार सिंगिंग, थैंक यू शाश्वत, थैंक यू. यस, तो बहुत सारे उत्तराखंड के आर्टिस्ट भी आपको देख रहे हैं इस वक्त पे. ओके, सो एक ड्रीम होता है ना हर आर्टिस्ट का, हर सिंगर का. मान लीजिए कोई कोई एक्टर हो, उसका ये ड्रीम होता है कि यार ये मेरा फेवरेट डायरेक्टर है, ये मेरे को डायरेक्ट करे तो बहुत अच्छा होगा. एक सिंगर होता है, उसका ड्रीम होता है कि इस म्यूजिक कंपोजर के साथ काम करने को मिले और इस और ये वाला राइटर लिख ले तो क्या बात है. और उसके ऊपर से और कमाल हो जाता है एक सिंगर के लिए कि जब वो उसके फेवरेट किसी एक्टर के ऊपर वो गाना हो उसके लिए हो. कौन है ये फेवरेट राइटर, फेवरेट म्यूजिक कंपोजर एंड फेवरेट एक्टर? So I'm definitely sure that Amit Trivedi is that composer that I am waiting, I'm dying for him to make something and call me ki sun ban gaya tere liye gana, aa ja. So right, that thing. And I think Kausar Munir, I really want Kausar to write for me, right. And the actor I want to sing for should be Alia Bhatt. I think it's a very promising acting that I see in her, जो मेरी जैसी आवाज को भी अपना बना के उसको बना लेगी स्क्रीन पे. So I think Kausar, and I think if Lisa does more shows and more often, or Sushmita Sen, these are those people I really want कि मैं इनके लिए these should be the faces of my songs. Right. So, Amit and Kausar ने शायद Secret Superstar में साथ में काम किया था ना, जितना मुझे याद है. बहुत बहुत, और I think उसमें भी किया था यार, that movie, ये लखनऊ based वो movie थी, परिणीति चोपड़ा थी उसमें यार, क्या नाम था, नाम भूल गया. नहीं कौसर ने नहीं लिखा है, अमित का बैकग्राउंड स्कोर है और एक ही गाना है अमित का उसमें बैकग्राउंड. अच्छा, अमित त्रिवेदी का आफतों के परिंदे इज बाय अमित. हाँ, राइट राइट, परिंदे, दैट्स व्हाट दबस्टेप वी गॉट इनटू द वर्ल्ड. एंड मतलब दिस क्या नाम था मूवी का, परिंदे नहीं, आई फॉरगॉट. अब इशक ज़ादे, सो इशक ज़ादे, बट इट्स नॉट डन बाय कौसर. अच्छा राइट. अमित का अभी उन्होंने एक स्टार्ट किया है, आपने देखा होगा, आई थिंक 80 आजाद. मैं बहुत फॉलो करती हूँ अमित को. राइट, अमित त्रिवेदी का कोई गाना जो आप परफॉर्म करना चाहो? या लास्ट सॉन्ग इस इवनिंग का, मैं परेशान और मे बी कोई अच्छा सा गुड वाइब वाला सुनो ना. मैं परेशान नहीं, कोई गुड वाइब वाला सॉन्ग, गुड वाइब्स वाला सॉन्ग. परदेसी, हाँ परदेसी हो सकता है, परदेसी, या उसने मस्ती वाले भी तो बहुत सारे गाने हैं, या उसका कुछ आई थिंक उड़ता पंजाब के गाने, उनमें से कोई याद आ रहा हो? हाँ, हमें आता है गाना जो हम करते हैं, जिस जो अमित ने पूरा क्यूरेट किया था, साउंड ऑफ नेशन करके. हाँ, वी कैन डू दैट, श्योर श्योर, वी कैन डू मोंटारे, वी कैन डू, अरे वाह. So let's do our medley. शुभारंभ एंड तुम वो भी तो बड़ा अच्छा गाती हो चौधरी. हाँ चौधरी भी है. तार जरारत सब जानू मैं चौधरी जी. चलिए
शुरू किया जाए। कागज के दो पंख लेके उड़ चल जाए रे, जहाँ नहीं जाना था वो वहीं चलाए रे। उम्र का ये तारा बना समझ न पाए रे, जो आप ये मुंह माया किस समझाए रे। अलगे लगाने न जाने न जाए रे, दिशा हरा के मन बापा मन तारे कमाल। ये है साउंड ऑफ नेशन, है डिजिटली लोगों को दिखाया जा रहा है, तो बहुत कमाल, बहुत जला के हमने प्रेजेंट ही कर दिया। हाँ, अब देखो ना, असम का गाना हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, राजस्थान का हो गया, है इतना कमाल का, बंगाल का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, बंगाल का हो गया, हिमाचल का गाना हो गया। बताओ यार, आज का ये जो सैटरडे है, सुपर सैटरडे, बहुत सारा हो गया। क्या 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 बोल रही है? सब स्टेट्स कंप्लीट हो गए। यस यस यस, इंग्लिश मत कहना मुझे गाने के लिए। ना 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 नहीं नहीं, सो थैंक यू सो मच आचल एंड लकी, आप दोनों को ही बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारा प्यार लोग ऑलरेडी भेज रहे हैं, सो इसी तरह आप दोनों बढ़िया बढ़िया म्यूजिक कंपोज करते रहो, बढ़िया बढ़िया म्यूजिक अपलोड करते रहो, ताकि हम लोग देखते रहें, मजे लेते रहें। एंड आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप लोग हिमाचल आओ तो एक काम करना, आप तो बॉम्बे से देहरादून की डायरेक्ट फ्लाइट है, देहरादून आना, यहाँ लोगों से तुम्हें मिलाते हैं और यहाँ से फिर तुम हिमाचल से ले जाना, क्या कहते हो?
है ना? श्योर, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि तुम दोनों को मजा आया एक नई ऑडियंस से मिलके। आई थैंक यू वेरी मच काव्य, इतने नए लोगों तक हमारा गाना, हमारी आवाज, हमारा ये हुनर पहुंचाने के लिए। दिस हैज बीन रियली आउटस्टैंडिंग, रियली आउटस्टैंडिंग। मतलब ये सोच के भी परे था कि तुम फोन करोगे और कहोगे कि चलो एक लाइव करते हैं, और right. तुमने कहा और किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच काव्य। अरे, और मैं बताना चाहता हूँ कि आंचल ने एक नया अपना म्यूजिक लेबल, इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल स्टार्ट किया है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में बताओ। ता म्यूजिक लेबल, TAA, ता म्यूजिक लेबल, हम बजा के भी सुनाएंगे आपको। ता, हाँ, ता, दिस वाज द पुअरेस्ट ता एवर। हमारे नाम के भी पहले अक्षर TAA है, तरुण आंचल आशीष। तो इससे ता म्यूजिक लेबल बनता है। ये इंडिपेंडेंट उन लोगों के लिए है जो कमाल का गाते हैं, कमाल का हुनर है, और उन्हें जरूरत नहीं है 3 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन की। उनका टैलेंट काफी है, और अगर ऐसे लोग हैं तो हमारे साथ जरूर कनेक्ट करें, हमें कनेक्ट करें, क्योंकि हम आप लोगों की वेट कर रहे हैं। हम आप लोगों के साथ गाना बनाना चाहते हैं, बनाना, उसको रिलीज करना चाहते हैं, और वी विल टेक यू टू द वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाट ता म्यूजिक लेबल इज ऑल अबाउट। एंड बस कोशिश ये है कि अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे प्लेटफॉर्म और अच्छे लोगों तक पहुंच पाए। बहुत जबरदस्त है। तो आंचल को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, और ताब म्यूजिक को आप यूट्यूब पे फॉलो कीजिए। और उसके बाद अगर आप बडिंग आर्टिस्ट हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, तो आप इनको फॉलो कीजिए और इनको भेजिए अपना गाना, क्या पता पसंद आ जाए और कुछ बढ़िया हो जाए लाइफ में, है कि नहीं? अच्छा होगा तो पसंद भी आएगा। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आप खाना वाना खाओ और सो जाओ। ये अभी तो शुक्रिया खाने की इजाजत के लिए काव्य भैया। चलो, ऑल राइट, सी यू, टेक केयर, बाय 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 ब्रो, बाय बाय बाय, थैंक यू।